गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। क्या कर रहे हैं? डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज मतलब जितने भी अभी तक हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट एंड मिनरल्स, विटामिंस, रफेज मटेरियल एंड ऑल्सो द वाटर। इज वाटर का हमने देखा था वहीं पे कि क्या डिजीज मेनली हो जाते हैं। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने फूड के अंदर पढ़े थे, जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अगर वो प्रॉपर अमाउंट नहीं लेंगे तो हमारे अंदर क्या हो जाएंगी? डिजीज हो जाएंगी। और उन डिजीज को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। आप इसको सही से प्रोनाउंस करें, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। अगर आप सही से प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा? आपको स्पेलिंग जल्दी लर्न होगी। ठीक है, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डेफिशिएंसी डिजीज। वन मे बी ईटिंग इनफ फूड बट नॉट नेसेसरी द राइट टाइम। मतलब खाना तो बहुत खा रहा है भाई, सुबह उठ के वो चपाती खा लेता है, फिर चपाती खा लेता है, फिर चपाती। मतलब आप पूरा दिन आप चपाती खा रहे हो, आप फ्रूट नहीं खा रहे। फिर उसके बाद जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको भाई जैम बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो वो सारा दिन चपाती और जैम और चपाती जैम खाते रहते हैं, मिल्क नहीं लेते हैं, फ्रूट्स नहीं लेते हैं, और मम्मी वेजिटेबल्स बनाए तो वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं। तो वो क्या होता है? दैट इज़ नॉट द राइट टाइप फूड। मतलब सिर्फ मतलब आपकी भूख को मतलब भूख को कंप्लीट भूख खत्म करना या भूख मिटाना ही सिर्फ फूड का काम नहीं है। फूड का काम क्या भी है? आपको प्रॉपर एनर्जी देना और बॉडी को प्रॉपरली बिल्डिंग करना। ठीक है, प्रॉपर और जो प्रॉपरली बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं वो भी अच्छे से प्रॉपरली हो और सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिले। तो प्रॉपर खाना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो आप दिन में एक टाइम आप मिल्क पीते हो, फिर मम्मी बोल दिया भाई आप फ्रूट्स का टाइम है, फ्रूट्स खाओ, रात को आपको चपाती के साथ आपको वेजिटेबल्स मिलते हैं, कर्ड आप लेते हो चपाती के साथ मॉर्निंग में, तो ये क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है कि आप फूड चेंज करके खाते हो, मतलब वही फूड नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? ताकि सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रॉपर अमाउंट्स में आपको मिल सके। इफ़ अवर डाइट डज नॉट कंटेन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स आपको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो क्या उसके इट स्टार्ट शोइंग साइन एंड सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसीज। मतलब डेफिशिएंसीज के मतलब उसकी कमी के साइन हमारे बॉडी में आने लग जाएंगे। सो जैसे व्हेन इफ यू आर फीलिंग द लेजीनेस और दैट इज अगर आप ज़्यादा देर खेल लेते हैं, यू फील टायर्ड एंड ऑल दैट, इट मीन्स यू आर नॉट ड्रिंकिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिल्क बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। मतलब कैल्शियम की कमी से आपको जल्दी टायर्डनेस हो रही है, आपकी बोन्स जो है वो ज़्यादा देर वो दे आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग इज देयर। ठीक है, तो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम हर कोई क्या करे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ले। डेफिशिएंसी डिजीज आर रिजल्ट ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू लैग ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन डाइट। डेफिशिएंसी जो डिजीज है वो किस लिए होती है? माल फंक्शन, बॉडी मतलब अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है ड्यू टू लैग ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी है। ठीक है, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ बच्चों को सही से खाना नहीं मिल पाता है, जो गरीब लोग हैं, मतलब द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन, उनके अंदर क्या होती है? माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और अंडर न्यूट्रिशन मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ये माल न्यूट्रिशन क्या होता है? जो आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, दीज आर दी एसेंशियल वन इज देयर। ठीक है, तो ये उनको नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। और अंडर न्यूट्रिशन क्या है? इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड, मतलब आप सही से नहीं फूड ले रहे हो, सही टाइम पे आप फूड नहीं ले रहे हो, आप भूखे रह रहे हो बहुत देर तक, तो वो क्या हो जाता है? दैट इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम कुछ डिजीज देखेंगे जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं, अलग अलग जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे उनकी वजह से होती हैं। फिर आता है प्रोटीन, सबसे पहले आता है प्रोटीन। क्या साइन और सिम्टम रहेंगे जिनमें जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है? वो कैसे होते हैं? स्टंटेड ग्रोथ, उनकी ग्रोथ कैसी होती है? छोटी होती है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर कैसे हो जाते हैं? वाइट और ग्रे कलर के होने स्टार्ट हो जाते हैं। पैचेस स्किन, स्किन के ऊपर पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे आप बूढ़े लोगों के देखते हैं कि रिंकल्स हो रहे हैं, इस तरह से उनकी जो स्किन है वो क्या हो जाती है? इकट्ठे होने लग जाती है, रादर देन लुकिंग द फ्रेश स्किन नहीं रहती है उनकी। थिनिंग ऑफ लेग्स और स्वॉलन स्टमक, स्टमक क्या होता है? स्वॉलन हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, और जो थिन लेग कैसी है वो थिन हो जाती है। कैसे? जैसे ये इसमें हम देख रहे हैं, ये जो ये कावेसी हॉर्कर बच्चे को हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। देखो इसकी
नेक कैसी होगी, ये थिन, और इसका स्टमक कैसा हो गया, इट्स बिकम बिग, ठीक है, स्वॉलन, अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, और ब्रेन को अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो क्या होगा, ब्रेन की फंक्शनिंग भी सही से नहीं होगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एवरीथिंग और टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो ब्रेन की डेवलपमेंट और फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो नेम ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कौन, डिजीज का क्या नेम होता है, कैवेसी हॉर्कर, कैवेसी हॉर्कर, क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज कैवेसी हॉर्कर। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर आप प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं दोनों चीज़ों का, तो थिनिंग, वेट लॉस होने लग जाएगा, आप में वीकनेस आ जाए, जो डिजीज पर्सन है उसमें वीकनेस आ जाएगी, लूज फोल्ड ऑफ द स्किन, लूज मतलब जैसे आप जो रिंकल्स में कह रही थी वो क्या होंगे, वो बॉडी के अंदर दिखने लग जाएंगे, मतलब आपकी स्किन जो है वो इकट्ठी हो जाएगी और उस अच्छे से प्रॉपरली फ्रेश और स्ट्रेच नहीं रहेगी। तो इस टाइप की डिजीज को हम क्या बोलते हैं, मैरिसमस, मैरिसमस। वाइटामिन ए, वाइटामिन ए क्या होता है, वाइटामिन ए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप कहाँ से लेते हैं वाइटामिन ए, वाइटामिन ए इज अ रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन ए इज कैरेट, कैरेट में क्या होता है, वाइटामिन ए प्रेजेंट होता है, ठीक है, हम सैलेड में भी लेते हैं कैरेट को और वेजिटेबल्स में भी लेते हैं, ठीक है, तो ये पुअर विजन एंड डिम लाइट, जब डिम लाइट होने लग जाती है तो विजन क्या है वो बहुत कम हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब हमें रात के टाइम पे कुछ नहीं दिखाई देता, वो किसमें होता है, दोज हैव द विटामिन ए जिनकी में डेफिशिएंसी होती है। विटामिन बी वन में क्या होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं आपके, एल्टर्ड मसल्स कोऑर्डिनेशन, मतलब मसल्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, और डीजनरेशन ऑफ नर्व्स, मतलब आपके कोई मतलब जैसे जो पर्सन डिजीज है उसके किसी ने टच किया या मतलब हॉट या कोल्ड लगा, उसको नहीं पता लगेगा, वो सेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसका नर्वस सिस्टम है वो डीजनरेट हो गया है, कम हो गया है, ठीक है, उसके वो नर्व्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं। डीजनरेशन ऑफ नर्व्स का क्या मतलब होता है कि जो नर्व्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही हैं, सिग्नल नहीं पहुंचा रही हैं, अपना ब्रेन में सिग्नल नहीं पहुंचा रही हैं, तो ऐसा कौन सी डिसीज होती है, बेरी बेरी। वाइटामिन बी टू में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, स्किन में क्या होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब दैट इज एक तरह से मतलब रेडनेस हो जाती है आपकी पूरी बॉडी स्किन के ऊपर, और डायरिया, मेमोरी डिसऑर्डर, मतलब प्रॉपरली मेमोरी नहीं रहती है, डायरिया हो जाता है, तो ये सब सिम्टम्स जो है, ये सारे हमारे सिम्टम्स हैं, ये डिजीज नहीं है। डिजीज कौन सी होती है विटामिन बी टू से, पेलग्रा। सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे किसी भी पर्सन के बुखार होता है, फीवर, तो आपका क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मतलब आप गर्म हो जाते हैं, तो वो जो गर्म होना होता है तो वो क्या होता है, वो सिम्टम्स हैं, किसके सिम्टम्स हैं, कि फिर पहले आप क्या चेक करते हो कि आपको ऐसा लगता है कि आज टायर्डनेस है या फिर मतलब बुखार लग रहा है, तो पहले आप क्या करते हो, आप अपना अपना फोरहेड चेक करते हो, वो क्या होता है, अगर वो हॉट है, गर्म है, तो फिर हम थर्मामीटर से चेक करते हैं कि फीवर है या नहीं टेम्परेचर, तो वो जो गर्म आपका हेड है वो क्या है, सिम्टम है, किस चीज़ के लिए सिम्टम है, वो फीवर के लिए, कि हाँ आपको शायद फीवर है, फिर आप चेक करते हो, फिर आप बताते हो हाँ फीवर है, तो ये सारे के सारे क्या है, जो ये सेकंड कॉलम है इसमें, ये सिम्टम्स हैं कि विटामिन बी टू नहीं लिया गया है तो स्किन इन्फ्लेमेटेड हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, मेमोरी डिसऑर्डर, मतलब प्रॉपरली कुछ याद नहीं रहेगा, और ये सारे के सारे अगर सिम्टम किसी इंसान में होते हैं तो उसको क्या, कौन सी डिजीज होती है, पेलेग्रा। विटामिन सी, विटामिन सी अगर नहीं लेते हैं, विटामिन सी किस में होता है, ऑरेंज, लेमन, सीट्रस फ्रूट जो होते हैं लाइक कुकुम्बर, इन सब में क्या होता है, विटामिन सी, तो जो प्रॉपरली विटामिन सी नहीं ले रहे हैं उनके जो ब्लीडिंग गम्स, जो उनके टीथ के जहाँ टीथ हमारे टीथ प्रेजेंट है ना, वो जिसमें हमारे जड़ है टीथ की, उनको गम्स बोलते हैं, तो वो क्या होती है, वो उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आप ब्रश करते हैं उस टाइम पर भी क्या होती है, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, डिले वाउंड हीलिंग, अगर किसी के चोट लग गई है तो बहुत टाइम लेगी ठीक होने में, क्योंकि उसमें क्या है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो इस चीज इसको हम क्या, कौन सी डिजीज बोलते हैं, स्कर्वी, अगर उसके अंदर ही सिम्टम है तो वो पर्सन स्कर्वी से, स्कर्वी है, ठीक है। अब आता है विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी किस लिए इंपॉर्टेंट है, पहले तो हम इनका फंक्शन पता है हमें, जैसे विटामिन डी करता है बोन्स को
बोन की ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करता है, स्ट्रांग बोन बनाता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन। बोन क्या हो जाएंगी? सॉफ्ट और वीक हो जाएंगी। बो शेप, बो शेप की हो जाएंगी लेग्स। बो शेप कैसी होती है? मतलब इस तरह से हो जाएंगी, ऐसे ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। एंड इजीली ब्रेकेबल बोन्स, और बहुत इजीली ब्रेक हो जाएंगी, मतलब थोड़ा सा भी कोई चोट लग जाएगी तो बोन ब्रेक हो जाएगी। तो ऐसे डिजीज को क्या बोलते हैं? रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हमारी मसल्स को, बोन्स को और टीथ को क्या करता है? प्रॉपरली फंक्शन स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? बोन और टूथ डिके, मतलब वो खराब होने लगेंगे, ठीक है। डिके का मतलब क्या होता है? वो धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, एक तरह से यूँ कह सकते हैं। मतलब धीरे धीरे, जैसे होता है ना कि जैसे आपने कोई लकड़ी देखी है उसमें दीमक लग जाता है तो क्या होता है? उसमें से वाइट वाइट निकल के धीरे धीरे वो जो लकड़ी है या वुड है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है। तो इसी तरह से आपकी जो बोन और टूथ है ना, वो भी मतलब जिसमें कैल्शियम की कमी है उसके जो बोन और जो टूथ, जो हमारे दांत हैं, उनमें क्या होगा? वो धीरे धीरे से झड़ने लग जाते हैं, एक तरह से हम कहते हैं वीक हो गए, ठीक है। उनकी जो कवरिंग वगैरह है वो कम हो जाती है। ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स, एंड पोरोसिस मतलब, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स का डिकेइंग होना। और हाइपोकैल्शियमा, हाइपो का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, और कैल्शियमिया मतलब कैल्शियम, ठीक है। तो हाइपो कैल्शियम का मतलब हो गया कैल्शियम की कमी वाली डिसीज को हम क्या बोलते हैं? हाइपो कैल्शियम। फिर आते हैं आयोडीन। आयोडीन हम कहाँ से लेते हैं? सॉल्ट से। तो आयोडीन दो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमारी प्रॉपर ग्रोथ से लेके आयोडीन स्वेलिंग ऑफ आयोडीन का, जो आयोडीन जो चाहिए होता है वो किससे चाहिए होता है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड होता है जो हमारी नेक के पास, नेक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वही क्या करता है? पूरी बॉडी को प्रॉपरली उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल बनता है जो हमारी पूरी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करवाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन। तो जो थायराइड ग्लैंड है उसमें अगर प्रॉपरली उसको आयरन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? पुअर ग्रोथ ऑफ इन इन्फेंसी, मतलब जब बच्चा जब मतलब छोटा होता है, बहुत छोटा, व्हेन इट विद मदर, मदर के अंदर होता है उस टाइम पर क्या होता है? उसमें ग्रोथ नहीं होगी अच्छे से, ठीक है। और मेंटल रिटार्डेशन, और क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्डेशन, मतलब मेंटली वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसको हम क्या, कौन सी डिजीज बोलते हैं? गॉइटर, गॉइटर, ठीक है। आयरन, आयरन लो एनर्जी। अब मैं ये जो स्पेलिंग बोल रही हूँ ना, चाहे आप इनको 10 बार ही सुनना हो, चाहे कितनी बार भी, पर यू मस्ट प्रोनाउंस देम प्रॉपरली, ठीक है। मस्ट प्रोनाउंस प्रॉपरली, आप इनको बार बार सुनिए और सही से इनको प्रोनाउंस करना, ठीक है। जैसे आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर। आयरन, आयरन आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर। आयरन की वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं हमारे पास? हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, पेलनेस, बॉडी के अंदर येलोनेस हो जाती है। पेलनेस मतलब कलर जो है वो डल हो जाता है बॉडी का, स्किन का। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी बंद हो जाती है। एंड रिड्यूस ग्रोथ, ग्रोथ की कमी हो जाती है। ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की वजह से क्या होता है? वीकनेस हो जाती है। फॉस्फोरस की वजह से वीकनेस क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? एनर्जी की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी। जो अपने फैट और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अपने जो फैट और कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी गिविंग फूड लिए हैं उनसे जो एनर्जी बन रही है वो बननी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है इसकी, इस वजह से क्या होता है? वीकनेस। और क्या होता है इसकी वजह से? बैड टीथ और वीक बोन्स वाली जो डिजीज है वो वीकनेस की वजह से हो जाती है। फ्लोरीन की वजह से क्या होता है? वीक टीथ और बोन्स हो जाते हैं, टीथ जो और बोन्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं डेंटल कैरीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस। डेंटल कैरीज में क्या होता है? जो टीथ है ना उनमें जैसे किसी के टूट जाते हैं और वहाँ से वो क्या हो जाते हैं? ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ब्लैक इसलिए होता है, वो जो ब्लैकनेस हो जाती है या टीथ के अंदर भी कई बार क्या होता है? होल हो जाता है। तो वो सब किसकी वजह से होता है? इज अ डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन, और उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज। और दूसरी डिसीज कौन सी होती है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन्स, और बोन्स का जो है डिकेइंग हो रहा है, बोन धीरे धीरे वीक हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट इज द सोडियम। सोडियम क्या है?
सोडियम इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वीकनेस. सोडियम से क्या होता है, भूख लगनी कम हो जाती है और बॉडी में क्या आती है, वीकनेस. और इससे जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं मसल क्रैम्प्स, मतलब आपके मसल्स में पेन रहना स्टार्ट हो जाता है. जो आपके मसल्स में नहीं, सॉरी, जिनमें सोडियम की डेफिशिएंसी होती है उनकी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, पेन रहने लग जाता है, मसल क्रैम्प्स, मतलब कभी भी मसल्स में, किसी भी बॉडी की मसल्स में पेन होने लग जाता है. फिर आता है क्लोरीन. क्लोरीन इज वीकनेस एंड क्रैम्प्स. क्लोरीन की अगर डेफिशिएंसी है तो वीकनेस और क्रैम्प हो जाएंगे बॉडी के अंदर. और ये इससे कौन सी डिजीज होती है, लो ब्लड प्रेशर. बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, जिससे कि चक्कर वगैरह आते हैं या वीकनेस रहती है बॉडी के अंदर. ठीक है, वो किस लिए होता है, लो ब्लड प्रेशर. जो आपका ब्लड है वो बहुत ही मतलब प्रॉपर प्रेशर के, एक प्रॉपर प्रेशर के साथ बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. जब भी आपकी बॉडी को क्या मिलती है, प्रॉपर ऑक्सीजन, अगर उसका प्रेशर प्रेशर लो हो जाएगा तो क्या होगा, दैट इज वी फील द वीकनेस. कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, नमनेस, नम मतलब नम हो जाते हैं, मतलब हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है, हमें कुछ सेंस ही नहीं हो पा रहा है. एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जो हार्ट की जो रिदम है वो क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है. मसल क्रैम्प, जो आपकी मतलब जो हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल नहीं रहेगी, मसल क्रैम्प होने लग जाएगा. लॉस ऑफ बोन मास, बोन का जो मास है वो कम होने लग जाएगा. तो कैल्शियम की वजह से क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो कैल्शियम एंड ऑस्टियोपोरोसिस. दोबारा से आ गया कैल्शियम. ठीक है, तो बोन और टूथ डिके भी होता है और इसकी वजह से दूसरी जो चीज़ें बताई हुई है इन्होंने, नमनेस, एबनॉर्मल हार्ट रिदम. क्यों होता है ये, जो दूसरे सिम्टम्स हैं ये क्या होते हैं, मतलब एबनॉर्मल हार्ट, कैल्शियम जो हमारा दिल धक 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 करता रहता है, मतलब 24 मतलब 24/7 क्या होल लाइफ टाइम, जब तक डेथ नहीं होती है पर्सन की, वो धक धक करता रहता है ना, मतलब उसकी मसल्स का बना होता है. जो हमारा हार्ट है वो किससे बना होता है, मसल्स से. ठीक है, और मसल्स को कंट्रोल कौन करता है, प्रॉपरली उनको मतलब ऐसे धक धक कराने के लिए, एक बारी वो जैसे आपकी ये जो फीस्ट है वो एक बारी बंद होती है, एक बार खुलती है, बंद होती है खुलती है, इस तरह से. तो वो कौन करवाता है ये काम, कैल्शियम करवाता है. अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो क्या होंगी, वीक हो जाएंगी. ठीक है, और नंबनेस क्यों, क्योंकि जो आपके जो नर्व्स हैं वो प्रॉपरली ट्रैवल करती है ना, मतलब आपकी स्किन से ब्रेन तक ट्रैवल करती हैं, वो किसके थ्रू करती हैं, कैल्शियम उसको हेल्प करता है. तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो बॉडी के अंदर नंबनेस हो जाएगी. मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या कॉज करता है, मसल वीकनेस, मसल की वीकनेस हो जाती है. मसल अगर मैग्नीशियम प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया गया है तो हार्ट बीट भी रेगुलर नहीं रहेगी. और नॉइजी, नॉइजी में क्या होता है कि देर इज अ स्नीजिंग और बार बार मतलब नोज में इरिटेशन है ना, इस तरह से. और तो मैग्नीशियम की वजह से क्या हो गया, मसल क्रैम्प, मसल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे. तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दी मसल्स. ठीक है, अब हम ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम देख लेते हैं कि इनके क्या आंसर होंगे. द फर्स्ट वन इज, नेम द फॉलोइंग द मिनरल दैट इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इन द बोन मैरो. मिनरल जो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बोन्स हैं उनमें एक बोन मैरो प्रेजेंट होती है, जहाँ पर हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो बनते हैं. वो किसके कौन सा मिनरल चाहिए उसके लिए, इम्पॉर्टेंटली आयरन. अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो इट विल ग्रेटली अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. ठीक है, फिर आता है मिनरल, मिनरल दैट हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कैल्शियम. ठीक है, अगर आप लोग बच्चों के पास, सबके पास बुक है तो आप सिर्फ इसका इनके आंसर लिख लीजिएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के और ए बी सी डी ई करके सिर्फ आंसर लिख लीजिए और याद करिए. फूड कंपोनेंट दैट हेल्प इन रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट सेल्स. फूड कंपोनेंट जो हेल्प करते हैं रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट सेल्स, मतलब आपकी बॉडी को रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है, प्रोटीन. अब मिनरल एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मिनरल हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर. और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, आयरन. तो ब्लड के लिए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है कंपोनेंट, दैट इज आयरन. डिजीज कॉज ड्यू टू इनसफिशियंट वाइटामिन एंड मिनरल इन डाइट. जो इनसफिशियंट वाइटामिन मिनरल से जो डिजीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डेफिशियंसी डिजीज, डेफिशियंसी डिजीज. ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप इनको अच्छे से प्रोनाउंस करें एंड यू कैन ईजिली लर्न देयर स्पेलिंग. फिल इन द ब्लैंक्स, द
माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड टू डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, उनकी वजह से क्या होता है? माल न्यूट्रिशन। अगर वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? स्कर्वी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपोकैल्शिमिया। और क्या होगा? हाइपोकैल्शिमिया। अंडर न्यूट्रिशन इज इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड, मतलब आप प्रॉपरली फूड नहीं ले रहे हैं, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे ही एक टाइम भूखे रह रहे हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं, इनएडिक्वेट अमाउंट ही हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर न्यूट्रिशन। डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरिन कैन कॉज, अगर फ्लोरिन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? डेंटल कैरीज, मतलब आपके टीथ में टीथ खराब हो जाएंगे, और ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कौन सा है? स्टार्च। ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ फैट इन अवर डाइट, ऑल ऑफ देम। फैट क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है हमें। कैसे? जो फैट क्या करता है? बॉडी के बाहर डिपॉजिट हो जाता है, जैसे लंग्स हैं, आपका ब्रेन है, इन सब के, और जो भी आपके डेलिकेट पार्ट है उनके बाहर एक लेयर बनी रहती है। ठीक है, फैट फैट वो एक लेयर बनाता है जिससे कि उनको शॉक वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। इंसुलेशन मतलब आपको वार्म्थ देता है, मतलब आपको आपकी बॉडी को प्रॉपरली हीट प्रोवाइड करता है, गिविंग एनर्जी, और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है फैट। तो ऑल ऑफ देम। विच वन ऑफ दीज विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन अवर बॉडी इज विटामिन डी, कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड मसल्स? कैल्शियम, अभी हमने पढ़ा ना डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज में। फिर आता है मैरिसमस इज कॉज्ड टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फिल इन द ब्लैंक्स। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इन अवर डाइट गेट स्टोर इन बॉडी, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कैसे स्टोर होता है बॉडी में? एज अ फैट। अ डाइट कंटेनिंग ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज अ बैलेंस्ड डाइट, अगर आप सारी चीजें प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो क्या हो जाती है? बैलेंस डाइट। प्रोटीन रिच फूड इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन रिच फूड को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड ही बोलते हैं। सीट्रस फ्रूट जो है वो किसमें रिच होते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब वाइटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड को और क्या बोलते हैं हम? वाइटामिन सी। सीट्रस फ्रूट कौन से होते हैं? ऑरेंज, लेमन, वाटर स्वीट लेमन। ठीक है, बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन बी वन इन अवर डाइट, बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन बी इन अवर डाइट। बेरी बेरी जो है इज कॉज ड्यू टू, बेरी बेरी किसकी वजह की डेफिशिएंसी से क्या होता है? वाइटामिन बी वन, क्या होता है? वाइटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी। बैच द फॉलोइंग, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से क्या होता है? मैरिसमस। स्कर्वी कब होता है? जब वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। थायराइड ग्लैंड को क्या इंपॉर्टेंट है? आयोडीन। फैट क्या प्रोवाइड करता है हमें? वार्म्थ एंड एंड एनर्जी। और सैलेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रफेज। नाउ द फर्स्ट वन इज अ फूड रिच इन वाइटामिन एंड मिनरल आर रेफर्ड टू एज, फूड जो वाइटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारी बहुत सारी जो डिजीज है उनसे प्रोटेक्शन करते हैं और बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग करवाते हैं। व्हेन दिस इज लॉस्ट फ्रॉम अवर बॉडी इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाती है। हाइड्रा का मतलब क्या होता है? हाइड्रा वाटर, हाइड्रा हाइड मतलब होता है वाटर ही हो गया समझो, तो हाइड्रा हो गया, तो मतलब अगर डी का मतलब हो गया कमी। ठीक है, तो हाइड्रेशन वाटर की कमी को किसकी वजह से होगी? वाटर की वजह से ही होगा डिहाइड्रेशन। ठीक है, फिर आता है थर्ड, पील ऑफ फ्रूट कंटेन इनफ ऑफ द सब्सटेंस, जो हमारे फ्रूट्स हैं उनके कुछ फ्रूट्स के हम छिलके भी क्या करते हैं? खा लेते हैं बिना मतलब उनको छीलना नहीं पड़ता, जैसे एप्पल है, चीकू है या ग्रेप्स है, तो उनमें क्या होता है? दे आर रिच इन रफेज। ठीक है, फिर आता है फोर्थ वन, मेक आवर बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, टीथ और बोन को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? कैल्शियम। फिर आता है फिफ्थ, दिस इंग्रेडिएंट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन सॉल्ट, सॉल्ट में क्या प्रेजेंट होता है? आयोडीन। फिर आता है सिक्स्थ, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अवर बॉडी इज कार्बोहाइड्रेट्स। सेवेंथ क्या है? एन एनिमल प्रोडक्ट, एक एनिमल प्रोडक्ट है जो किसमें रिच सोर्स है फॉर प्रोटीन, जो वेजिटेरियंस हैं वो ज़्यादातर क्या लेते हैं प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए? मिल्क। फिर आता है ई,
The fruit and vegetable must be thoroughly washed after cutting. Yeah, no, it is false. They must be cut thoroughly before cutting. Cutting से पहले उनको properly धोना चाहिए. Cutting के बाद अगर धोएंगे तो क्या होगा? उनके सारे बहुत सारे जो nutrients हैं वो भी क्या हो जाएंगे? Washed off हो जाएंगे. फिर आता है second, a large amount of vitamin must be consumed every day to keep fit and healthy. Large amount of vitamin हमें consume करना चाहिए? नहीं, बहुत स्मॉल अमाउंट वाइटामिन ही कंज्यूम करने चाहिए एवरी डे अगर हमें हेल्दी और फिट रहना है. बहुत ज़्यादा जरूरत वाइटामिन और मिनरल हमें स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ही लेने होते हैं. प्रेजेंस ऑफ शुगर इन फूड सैंपल कैन बी टेस्टेड यूजिंग आयोडीन. यस, जब हम आएंगे तो हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है, आयोडीन की हेल्प से कि आपके पोटैटो में, राइस में, इनमें शुगर प्रेजेंट है या नहीं. फिर जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है दैट इज फॉल्स है, ठीक है. आप ये गलती से लिख दिया मैंने, प्रेजेंस ऑफ शुगर, शुगर की प्रेजेंस को नहीं, हम द आप यहाँ पे लिख दिया ना, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड सैंपल कैन बी टेस्टेड यूजिंग आयोडीन. जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च होती है वो हम फूड सैंपल में सिर्फ आयोडीन से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है. शुगर नहीं, शुगर नहीं टेस्ट कर सकते आयोडीन से, ठीक है. तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन में लिखना फॉल्स, और फिर लिखना प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड सैंपल कैन बी टेस्टेड यूजिंग आयोडीन. शुगर की जगह क्या लिखेंगे हम? स्टार्च, ठीक है. मैं अलग से मैसेज भी कर दूंगी आप लोगों के पास इसका. डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन ई कॉज स्कर्वी. डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन क्या कॉज करता है? स्कर्वी कॉज करता है. डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन ई क्या कॉज करता है? स्कर्वी. नो, वाइटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो क्या कॉज करती है? स्कर्वी. फिर अदर टाइपिस नीड मोर कैलोरीज देन एथलीट. नो, किसको ज़्यादा कैलोरी चाहिए? एथलीट क्या होता है? जो रनिंग करता है, भागते हैं. और क्या टाइपिस क्या होता है? जो सारा दिन कंप्यूटर पर बैठ कर टाइप करता है. तो एक भागने वाले को और एक बैठने वाले को किसको ज़्यादा कैलोरी चाहिए, एनर्जी किसको ज़्यादा चाहिए? एथलीट को, ठीक है. सो एन एथलीट नीड्स मोर कैलोरीज देन टाइपिस्ट. हु एम आई? आई एम अ इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर. कौन होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट. सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्यों होते हैं एकदम से एनर्जी प्रोवाइडर? क्योंकि उनको डाइजेस्ट, मतलब उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना नहीं पड़ता, वो एज सच हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. जैसे हम ग्लूकॉन डी ग्लूकोज वाटर पीते हैं, दैट इज, ठीक है. आई मस्ट बी ईटन इन मॉडरेट क्वांटिटी एंड आई प्रोवाइड वॉमिट टू द बॉडी. मतलब मॉडरेट मतलब होता है, एक होता है लार्ज क्वांटिटी, एक होता है मॉडरेट, एक होता है स्मॉल. तो मॉडरेट कौन सा हो गया? मिडल वाला. तो वो क्या होता है? फैट. ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट टेक मील लिबरली फॉर डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं वो क्या करते हैं? मस्ट बी लिबरली फॉर डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं उनको स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम. आई एम रेड कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड. ब्लड के अंदर रेड कलर बनाने के लिए रेड कलर कौन देता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट. आई एम रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटी इन डाइट. डाइट के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए. आई एम ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड कौन सा होता है? वाइटामिन एंड मिनरल्स. क्या होता है? वाइटामिन एंड मिनरल्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड होता है, ठीक है. तो ये सारा हो गया है आप लोगों का काम. इट्स नाउ इट्स ऑल डन, ओके, एंड थैंक यू. और जो आपको एक्टिविटी बोली हुई है आज वो भी पूरी करके भेजनी है, उसके 5 मार्क्स हैं एक्टिविटी के. ओके, थैंक यू.